सत्करणी, पुत्र तू पिताश्री के लौटे के राह देख रहल बड़। ए युद्ध काहे अकेला माता? पुत्र ये युद्ध पालन करे वाला करेले, राज्य के बचावे वाला करेले, अधिकार पावे खातिर युद्ध करे पड़ेला। एगो राज्य दूसर राज्य प, दूसर राज्य तीसर राज्य प। लेकिन इतना राज्य के का आवश्यकता बा? अगर सब मिलके एक ही राज्य बनावस तो फिर ये युद्ध कभी ना होखी माता। ये सब करे खातिर कोनो वीर के जन्म लेवे के पड़ी। हम जन्म ले ले बानी माता। सब राज्य के मिला के एक ही राज्य बनाए हम, और एक युद्ध हम लड़ब। एक राज्य होखी और वो हमनी के होखी। तू साच कर रहल बाड़ा? राउर सौगंध। मित्र लोगन, हम रउआ सभे के आपन संदेश कुंतला देश के रणभूमि से भेजवा रहल बानी। हमार रउआ लोगन के स्नेह पूर्वक चेतावनी बा, अब कुंतला हमरा अधीन बा। 18 माह बीत चुकल बा, बाकी अभी तक हमने के घाव ताजा बनल बा। विश्राम नहीं खे, विराम नहीं खे, एगो यात्री के भांति यात्रा कर रहल बानी हमनी। आज कल्याण दुर्ग और आपके सौराष्ट्र के अलावा बाकी दक्षिण के सब राज्य हमने के अधीन हो चुकल बा। हम रउआ के समझा रहल बानी, यही से हम रउआ के संदेश भेजले बानी। पराजय नहीं चाहत तो हमार राज्य के स्वीकार करी, अपन वीर योद्धा और अपन दूत सबके हमरा के सौंप दी। एकरा अलावा रउरा पास और कोनो विकल्प नहीं है। समय बहुते कम बाचल बा मित्र, मित्र बनबा की युद्ध करबा ये राउर इच्छा बा। राउर सतवाहन राजा सतकर्णी। हमनी के महाराजा के पिताश्री से लिहल गयल राज्य के साथ साथ आपन समस्त राज्य के गौरव के साथ समर्पित कर दी, और उनकरा सामने शीश झुका के मित्रता के हाथ बढ़ाई। यह सत्कर्णी राज्य के आज्ञा बा। यही से मित्रता के रूप में हमरा के आपके तलवार लावे के आदेश दिया गया बा। राजा सत्कर्णी, पिता के युद्ध देखी त डर का होखेल जानित, बाकी माता के शरण में बढ़ भइल बा, अभी ना समझ बा। यही से महाराज, रणभूमि के हमनी के महाराज खेल ही समझे लें। हमरा द्वारा भीख में देल गईल राज्य के राजा हाऊ, राज तिलक के पूरा 18 बरस हो गईल बा, लेकिन आज तक ऐसा शब्द नहीं सुनले जोन हमरा के डरवा देवे, समझला? जोर शब्द देवेला किंतु समुद्र निश्चल और शांत हो खेला, और अगर कभो उभर के आयल त केहू ना, केहू भी ना बची राज्य में। यही से कहा था नहीं। सुनामी के बतावे दी नेपान महाराज। हे सुना दूत, नीचे की ओर स्थित दक्षिण घाटी में विजय पावल बड़ उपलब्धि ना है। हमनी के सिंहासन के रक्षा समुद्र करेला, और समुद्र के जल के पार करे से पहले मगरमच्छ के मुंह के ग्रास बन के मृत्यु के प्राप्त कर जाला। मगरमच्छ के मुंह के ग्रास कबो नहीं खन बन सकत, वो तो महाविष्णु के अवतार बन के आई है। सत्कर्णी महाराज तो नरसिंह के रूप में नर अवतार, हमें थोड़ा विचार करी महाराज। फिर आपके नरसिंह ई नहीं खे जाना दूत, युद्ध केवल हमनी से नहीं खे करे के बा, पहले हमारा साथ संगठित युवा सेना के पराजित करे के होखी।
हमनी के सेना के सामने आपके सेना खड़ा भी नहीं के हो सकत। आप युद्ध करे के कल्पना भी कैसे कहनी, और हमनी के साथ ग्रीक सेना के योद्धा भी बाड़न। आपके हिम्मत कैसे भेल हमनी से युद्ध करे के? बोली, पराया लोग से हाथ मिला के हमनी के युद्ध में हरा देब, ये सोच रहल बानी का रउआ सब लोग? राउर युवा सेना के पराजित करे खातिर हमनी के राजा के तलवार के दसवां भाग ही काफी होखी, रउआ समझ में आइल? अगर हम उनका के अपन तलवार दे दे तो राज देवे के समान होखी। हम उनका के अपन पुत्र सौंपे के आदेश देता नहीं, ओकरा बाद उनकर वंश हमार चरण में होखी। राउर सतकर्णी के दादाजी के हमार पिता भूम जी युद्ध भूमि में सबके सामने पराजित कैले, और उनकर पिता तक हमारा हाथे पराजित होके चरण स्पर्श करके जान बचा के भगले रहन, जा के उनका के याद दिलाई। हम अमरावती के सामने कभी ना झुकब। पुरान बात बा महाराज, आज अमरावती में खरगोश शेर बन चुकल बाड़े, लोग युद्ध कला सीख चुकल बाड़े, बच्चा लोग निडर हो चुकल बाड़े महाराज। कारण वहां सतकर्णी के राज हा। महामंत्री, शरण में जाए खातिर तलवार देवे के होखी, और यदि युद्ध करी तब? यदि रवा के बंदी बना ली तब? वो यहाँ ही है, कारागार में प्रतीक्षा करब। अगर वध कर दे तब? हमरा पास आप आईब, आपके हम ऊपर इंतजार करब महाराज। कल्याण दुर्ग के वासी लोग जे यहाँ आई वो नरसिंह हवे, उनका से युद्ध में विजयी होकल असंभव बा, उनकर चमक सूर्य से भी तेज बा, उनका सामने जाए से शत्रु भस्म हो जाला। सतकर्णी, ये साम्राज्य के शांति पूरा तरह से समाप्त हो चुकल बा, हमने यहाँ नहीं ही रह सकत। अब तक सतकर्णी के स्वार्थ 29 राज्य और साम्राज्य के बलि चढ़ा देहले बा। परसों अंग देश ढह गेल, काल कुंतला रक्त से लाल हो जाई, और आज कल्याण दीप रणभूमि में परिवर्तित होके जा रहा है। अपन कोक से मनुष्य के जन्म नहीं दिले, नरसंहार के जन्म दिले बानी, देखो महाराज के नहीं पल्ले, महायुद्ध के पल्ले बानी। आप जाना तानी कि ये विजय खातिर अनगिनत लोग मृत्यु के प्राप्त हो जाई हैं। सैनिकन के लाल रक्त से, स्त्रियन के माथा के कुमकुम से ये भूमि लाल हो जाई। इस सब का राज्य के हित में बा, रक्त भावे के तात्पर्य का बा। ई राजा के धर्म है। का होखेला राजा के धर्म? धर्म के रक्षा करी, धर्म के तात्पर्य? धर्म के रक्षा खातिर रक्तपात ना देखल जाला। एकरा आप धर्म के रक्षा कहे नहीं? तनिक विचार करी माता, अमरावती शांति के घर मानल जाला, आवे वाला पीढ़ी बौद्ध मठ के नाम से प्रसिद्ध हो के ऐसे हमने यहाँ निवास करत रहनी, अब हमने यहाँ नहीं रह सकत। आज्ञा दी रहुआ, सभी के जाए के अनुमति देवे के अधिकार हमरा पास नहीं खे मुनिवर। जे ई मठ के निर्माण कैले बा उ महाराज के पास बा। रउआ राउर हर प्रश्न के उत्तर मिली, हमार पुत्र के आवे तक रउआ लोग प्रतीक्षा करी।
अब सामना कर लोग शेर के। हैं? जय हो थे। सर मत झुका हुआ, एकरा पर हम विजय पहले बनी। ये हमार बा, अपन राज्य के देवे से मना कैला अनुचित ना, ये दिलेरी हा। ए धरती पर रउआ राज करी चाहे हम, एक के बात बा, बाकी रउआ विदेशी सबसे हाथ मिलेनी, ये अनुचित रहे और रही। भूमि पे साम्राज्य जमावे खातिर हम विदेशी सबसे सुलह कैले रही, ए भूल के स्वीकार करतनी और रउआ से क्षमा चाहतनी। आज से रउआ हमार प्रतिनिधि बानी, अपन साम्राज्य में एगो दूत के भांति सुशासन करिए। राउर परामर्श हेतु हम देवदत्त के नियुक्त करत बानी। ई हमार सौभाग्य होखी महाराज। वीर विक्रम नरसिम्हा, हमनी सब के नायक, सेनानी सब के साहस देवे वाला महाराज के जय होके, जय होके, जय होके, जय होके महाराज सत्कर्णी के, जय होके, जय होके महाराज सत्कर्णी के, जय होके। सत्कर्णी, हम सुनले बानी ओकर सौ गो कान हा, ए भूमि पे केहू कदम रखे पहले ऊ सुनेला। ओ बहुत बड़ा योद्धा ही है, मतलब ओकर अकेला के ही सौ गो हाथ बा, वो अकेले ही एगो सेना के बराबर बा। कल्याण दुग पे विजय प्राप्त खेला के बाद पूरा दक्षिण देश सत्कर्णी के अधीन हो चुकल बा। दे में त्रेस, अब भारत खंड में दुइये गो राजा बाड़े, उत्तर दिशा में नेहपान और दक्षिण दिशा में सत्कर्णी। ए लईकी, बियाह हो गिल बका। काहे
तू कर बका। हमार दू गो पत्नी बाड़ी, तीसर की तू बनबू तो आपत्ति नहीं खे। ते सुना, हमार पहले से ही तीन गो पति बाड़ी, चौथा तू बनबा तो कौनो आपत्ति नहीं खे। कौनो आपत्ति नहीं खे, लेके जा। चौथा पांचवा जो भी बनाएगा बाकी एकरा लेके जा। राजा जी से कह के हर लड़की के एक पति होके के चाहिए ऐसा नियम बनवावत है। उनकरा से मत कहिया, न तो मर्द के भी एक गो पत्नी होके ऐसा नियम बना दिए। का लड़की तहार ब्याह हो गिल बा? विवाह भैल का सुधर जो। सुना महाराज, युद्ध भूमि में तू रहा ना, 30 जन के मृत्यु के घात उतरनी। अच्छा, ये बाल भूमि तो हमार आदमी है। हमार मतलब हमनी दोनों के बहादुर बाड़ा तू। काल सहराट में भी यही तरह युद्ध करिया तू, ठीक बा ना? जौन आज्ञा महाराज। हाँ। मित्र, वो नेहपान पे विजय पावल उतना आसान नहीं है जितना रहुआ समझ रहल बानी। अगर हमारा राउर सेना एक हो जाए तब वो हमनी के सेना उनकर सामने एक चौथाई भाग होगी। युद्ध में विजयी होके खातिर सेना की आवश्यकता ना होके रणनीति चाहिए। चारों ओर अखरोट के पर्वत बा, बीच में नेपान के महल, तीनों ओर से हमनी के पर्वत पार करे के पड़ी। एक तरफ चित्रकूट बा, दूसर तरफ विजय प्रस्थ और तीसर तरफ धर्मध्वम। ये तीनों राज्य के युवराज नेहपान के यहाँ बंदी बाणे, माने मेहमान जैसा नजरबंद बाणे। और ये तीनों में से कौनो राजा सौराष्ट्र से युद्ध ना करी पहला नियम बा। यदि कोनो दूसर राजा प्रवेश करे तो ओकरा के रोके के होखी दूसर नियम बा। तीनों राज्य के राजा राजकुमारन खातिर पहरेदार बन के रहगिल बने। अब हमने के भारत खंड के जौन राज्य पे विजय पावे के बा, उस सब नेहपान के शासन में बटे दूध के मारे वाला दुष्ट है, ओकरा के पराजित करके सौराष्ट्र के स्वतंत्र करे के होखी। फिर सब राज्य में एक गो ध्वज फहराई। का भइल मित्र, अशोक और चंद्रगुप्त जौन ना कर पहले सोच रहल बड़ा, हम ओकरा के कैसे पूरा करब? अवश्य होखी। महाराज, धान्य कटक से महारानी जी पधार चुकल बड़ी। पिताश्री। पुलामा, कैसन बड़ा पुत्र? हम अच्छा बानी। दादी माता कैसन बाड़ी? वो अच्छा बाड़ी। शिवश्री सतकर्णी। पिताश्री के नाम? एकरा के रघुआ देख ले कह रहे, जब ही हमार कोख में रहे रघुआ युद्ध खातिर चल गई रहे। हमार महारानी के जन्मोत्सव के उपहार। खुशी के जगह अखियन में आंसू ना होखे के चाही। रहुआ तो रही ला ना हमनी के साथ, इनका के तो रह दी। हे भगवान, इतना खाव लगल बा। स्त्री के हाथ में चूड़ी शोभा दे बेला और पुरुष के हाथ में घाव। हमरा तो ऐसे लागेला जैसे हम रहुआ से ना युद्ध से विवाह कैले बार। फिर तो आज ही युद्ध हो के रही। हमरा लागे तो ओकरा भूख लागल बा। राजा बेटा, ना रोए के। ओहो, तोहरा भूख लागल बा। माँ और बेटा के संबंध सबसे महान हो खेला। आहा हा हा, नारी संस्कार के प्रतिरूप बानी रहुआ। नारी के संस्कार महाराज के केवल शयन कक्ष में ही याद आवेला। का चाहत नहीं रहुआ हमरा से? कुछ नहीं की चाहत। बेझिझक कहीं महारानी। हमरा हमारो पुराना दिन चाहिए, दे सकीला का? हम समझनी ना। लागता रहुआ भूल गई बानी महाराज, हम जौन राजकुमार के चहले रहे वो हमरा फिर से चाही।
हमरा खातिर उस साधारण व्यक्ति के तरह भेस बदल के हमार राज्य में आवत रहन। साधारण बन के जब विवाह में अड़चन आ गई तो वो महाराज बन के आ गई ले। और युद्ध के चेतावनी दे के हमरा से विवाह रचा ले ले। हम समझ गए नी, प्रातः काल रवा तैयार रहब। ओ काहे? साधारण व्यक्ति जैसन राज्य में घूमल जाई, बाजार में भी जाय जाई, अद्भुत चीज सब देखल जाई, ओकरा बाद वंश बढ़ावल जाई। हमरा सोचे के पड़ी। सत्कर्णी है हम। हाँ, ऐसे युवराज पुलामा के बारे में महारानी जी के अभी हम उनका के कुछ नहीं बतौले, समय अला पे बताइब। उनकर माता है। रवा तो ठीक से घुमावे भी ना आवे। युवराज हमरा के सिखावत आ रहे, देखी महाराज। हम साज कर रहल बानी पिताश्री। हाँ। अच्छा ऐसे ना, ऐसे ऐसे चाहिए। महाराज हमनी के जल्दी से जल्दी नेपान से पहले युद्ध करे के तैयारी कर लेवे के चाहिए। यदि हम कुछ समय खातिर यहाँ रही थे कितना अच्छा। और वहाँ सौराष्ट्र के नेपान मृत्यु से बात जाए। फिर से युद्ध? अब अब, अब वो कहा कि रघुआ चुप रही। ए समय रघुआ महाराज ने की युद्ध के भुला जाए। ओ देखी चूड़ी, चली दिला दी ही। वाशिष्ठी हमने के पुलामा पहला उनका खातिर कुछ लेवे के चाहिए। एकर कितना दाम बा? केवल दू आना के। हाँ। पुलामा एक राखे देख के बहुत खुश हो जाई। जल्दी करी, दुकान बंद करे केट समय हो गए बा। अरे ई का कहले तू बेटी, जानतारू ई सिक्का पर सत्कर्णी महाराज की तस्वीर छपल बा। बड़ा विचित्र महाराज बाड़े, सिक्का पे भगवान की जगह आपन तस्वीर छपा देले बाड़े। एकरा बारे में रवा कुछ बोला? ई रवा का करब बानी, एक तो रवा सिक्का नीचे गिरा देनी, हमनी के राजा हमनी के भगवान के समान ही बाड़े। आग से लगावा, आग से लगावा। रवो लगाई। चला दादी वहाँ कहानी शुरू होकत बा। कैसन कहानी? वहाँ सत्कर्णी महाराज के कहानी सुनावल जा रहल बा। अमरावती के राजा के पुत्र करोड़ों में एगो हवो, तू जाके सुना। जल्दी जन्मोत्सव है, ऐसे आवे के संदेश भेजनी। लेकिन ना पुत्र के बुलावे खातिर ऐसन कही नी, राउर वचन राउर है। लेकिन हमार पुत्र हमार है, कैसे दे सकेला रहुआ? हम ओजा ले जाए के वचन देहले बनी, उनका के सौंपे के ना, पुत्र अवश्य राउर है, बाकी रक्त हमार है। अब रहुआ समझे की कोशिश काहे नहीं की कर रहल, हमें पुत्र के जन्म देले बनी। हम इतना छोट पुत्र के युद्ध में लेके जाई रहुआ, रहुआ कैसन पिता है? वाशिष्ठी, 9 महीना कोख में रख ले बानी, हम बहुत कष्ट उठाई ले बानी, तब एकर जन्म भइल बा। हमार पुत्र उहां ना जाई। ओकरा जाए के होखी, ये महाराज के आज्ञा बा। हिरण्य रुकी, जब हम इनका के मना कर चुकल बानी, तब बीच में महाराज कहां से आइले? हम अभी यही समय अमरावती चल जाए। हिरण्य ना, पुलामा पुलामा। माता के रूप में रहुआ अपन कर्तव्य पूरा कहनी, हम पिता हैं और जब तक हम जीवित बानी कर्तव्य निभावत रह। पुलामा खाली हमार या राउर पुत्र ही ना हो, ए जाके भावी राजा भी है, और साथ ही हमार साम्राज्य के जोत के जलोले रखे वाला हमार पुत्र भी है। ओकरा के खो देव का? ओकरा के नहीं की खो सकत हम। जब वो हमार कोख में रहे तब रउआ युद्ध खातिर चल गई नी, और आज रउआ हमार पुत्र के सीधे युद्ध भूमि में ही लेके जा रहल बानी। रउआ इंसान ही बानी ना। रवा निर्णय लेवे से पहले सोच ली, हमनी के पुत्र नेपाल के महल में बंदी बा।
होने देखी। सत्कर्णी राजा अपन पुत्र के युद्ध में लेके जा रहल बाड़े, हमनी के उनका से युद्ध करे के चाहिए। पिताश्री, हमनी कोनो युद्ध में जा रहल बानी का? आज तक तो रहुआ हमरा के कोनो युद्ध में नहीं खिले गयल, फिर आज का ले जा रहल बानी? शत्रु तारा के देखल चाहत अड़े, यही से ले आयल बानी। हमरा के वो कहा देखल चाहता अड़े? प्राण जाए से पहले बच्चा के देख लेवे से अच्छा हो खेला। वो लोग के बच्चा नहीं खन का? बच्चा नहीं खन यही से पाप के जन्म दे रहल बानी। सत्कर्णी के सेना के मार दे रहल बानी रउवा। अगर हमनी के पुत्र की कुछ पहल तो हम जीवित ना रहब। यदि हमनी के उराज में से केहू एक के भी क्षति पहुंचलता, सारा साम्राज्य पुत्र के माता के अर्पित करके प्राण त्याग देव, ऐसन हम प्रण ले बानी। ये युद्ध हमार चाहे रउवा सबे के पुत्र के खातिर नहीं खे, सब के पुत्र खातिर। वो आपके पुत्र के मांग के लस यही के बदला के भावना में तलवार उठेनी। यदि आपके पुत्र ओकरा यहाँ बंदी होखत त का यह साहस दिखाईथी आप? बदला के भावना होखी ताज हम रउवा सबके सामने ना होती, ना हम के पुत्र के आवश्यकता पड़ी। हम राउर युवराज लोग के बचाई, लेकिन रउवा सभे के रानी के मुख देख के हमने शत्रु के अंत नहीं कर सकत। इस सत्कर्णी मातृत्व के दास है, हम अपन पुत्र के लेके जाइब और राउर पुत्र सबके बचाई। सत्कर्णी के सेना विंध्य पर्वत के पार कर ले बा। विंध्य पार कर लेलस? कैसे? वहाँ की सेना का करत रहे? सत्कर्णी सेना स्वराष्ट्र में प्रवेश कर चुकल बड़ी महाराज। पिताजी, रवो सत्कर्णी पर विश्वास कर ली। यदि साहस होके तो चले के चाही, ना तो साहस के मार्ग देवे के चाही। हमनी के योरा सुरक्षित लौट आवस भगवान से प्रार्थना करा। नेहपान से युद्ध करे खातिर सत्कर्णी राजा निकल चुकल बाड़े। ओकर मृत्यु ओकर ही युद्ध में ना होखे वाला बा। ओकर मृत्यु तो हमरा हाथे हमरा युद्ध में होई।
हम आगे जाई। महाराज इस समय वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं के, मात्र सिर्फ वार्तालाप करे की आवश्यकता बा, और वो सब करे खातिर हम बानी ना महाराज। इनका वार्तालाप के भाषा समझ में ना आई, इनका के अब हम आपन भाषा में समझाई भी हिरण्य, वो हमार पुत्र मंगले रहन तो उत्तर भी हम ही देव। पिताश्री ए समय हमनी के माता कहानी सुनावेली, रवाना सुनाइब का? हमके कहानी नेखे सुनावे के पुत्र, हमनी के कहानी प्रजा सुनाई। अच्छा तो हम सुनाई का? बहुत ही अच्छा बा, सुनावा। बहुत समय पहले एगो राजा रहन, वो राजा के सात गो पुत्र रहन, सातों शिकार करके मछली पकड़ डाल रहन, ओकरा बाद मछली सबके धूप में रख देले। बात के मान रख के अपन पुत्र के साथे लेनी है खातिर राउर अभिनंदन बा, हम नेपान चक्रवर्ती के भगना विषभदत्त हैं, अब अपन पुत्र के साथे अपन तलवार भी मामा महाराज के चरण में जाके समर्पण कर दिए। कहानी अच्छा बा पुत्र, तू रुक काहे गईला, आगे बोला, फिर वो मछली सबके का भेल बतावा। वो सब सातों मछली में एगो मछली ऐसन रही जौन धूप में ना सूख पाई, काहे ना सूख पाई। ये लैकन के खेल ना है, हमार सेना से मृत्यु के खेल बा, जाना तड़ा। इस शानदार महल शत्रु सबके रक्त से बनावल गई बा, दीवार के परछाई के तो स्पर्श भी नहीं के कर सकत। ओकरा बात का भइल बतावा। जब हम पूछनी मछली मछली तू काहे ना सूखल, तो कहलस हमार गर्दन में दर्द बा। सत्कर्णी ए मत भूला तहार पिताश्री। अच्छा मछली के गर्दन में दर्द काहे होत रहे? ले रही तहार साम्राज्य के, तारा के तम मुट्ठी से मसल के फेंक दे। वो भूत काल रहे और हम भविष्य काल हैं, एकरा से पहले के शिकार बना भाग जा, ना तो तहार प्राण के रक्षा स्वयं भगवान भी ला कर पाई है। शरण अर्थात रक्षा, रण के तात्पर्य है मृत्यु, लड़बा कि मरबा। ए कहानी के तात्पर्य ई बा पुत्र, कि राजा के राज्य खातिर तलवार उठावे के चाहिए, धर्म खातिर नीति अपनावे के चाहिए, अधर्म के जड़ से मिटा देवे के चाहिए। तहार कहानी यह शिक्षा देता पुत्र, देश के शरण में रहे वाला शुद्ध जाति के इतना गर्व बा। हमनी अशुद्ध जाति ना, मनुष्य जाति है, नीच जाति ना, प्रथम जाति है। ये विशाल देश के भुजा पे उठावे वाला बुनियाद है हमनी, वीर है हमनी, ये भूमि हमनी के हा। हिरण्य आक्रमण करो। सुना सत्कर्णी, तार पुत्र के शीश काटब और तार पूरा सेना के मृत्यु के मुंह में पहुंचाई, तब बे हम सिंहासन पे बैठा। चुप रहा, हमार पुत्र के छुए के तो छोड़ा, तीन समुद्र के पार करे वाला हमार घोड़ा के पैर के माटी के भी नहीं खा छू सकत तू। महल के फांद के आ रहल वाली हम, आक्रमण। सत्कर्णी महाराज के सेना युद्ध के आरंभ करा, एगो शत्रु ना बचे के चाही। शत्रु के चीख सुनाई देवे के चाही, कौनो शत्रु जीवित ना बचे के चाही। वृषभ दत्त बंद कर जा। हमनी के शत्रु के चीख सुनाई देवे की चाहिए, कोनो शत्रु जीवित ना बचे की चाहिए। जय हमनी के बा, जय हो के सत्कर्णी महाराज के। जय हो के, जय हो के, जय हो के। अग्नि के गोला तैयार करो। छोड़ा
जय होके, 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 जय होके। महाराज दीवार तुरल बहुत कठिन बा और हमनी आपन आधा सेना भी खो चुकल बानी। के विश्राम ना देवे के चाही। सेना निर्बल और बलहीन हो चुकल बा। युद्ध बंद मत करा। युद्ध नीति के विरुद्ध बा। युद्ध नीति युद्ध नीति महाराज इत अधर्म हा। सूर्यास्त होके के बाद विराम के आवाहन हो चुकल बा। ऊ नीच फिर भी युद्ध कैल ना छोड़लस। काल प्रातः काल कैसे भी करके हमनी के महल में प्रवेश करे के पड़ी, ना तो हमनी पराजित हो जाए महाराज।
वशिष्ठी, तू भोजन काहे नहीं खो कर रहल? 3 दिवस हो चुकल बा, भोजन कर ला। वो हमार पुत्र के युद्ध भूमि में ले जाए वाला बड़ ई रउआ पता रहे, फिर भी ये सब हमरा से काहे छिपावल गई रानी माँ? बोली, भोजन करा। कैसे करी हम भोजन? हमार पुत्र युद्ध भूमि में बा। युद्ध भूमि में युवराज के पिताश्री भी बाड़े, पुलामा के कुछ भी ना होगी। महाराज, वो लोग हमनी पर चारों ओर से प्रहार कर रहल बाड़न। हमनी के गोला वहां तक नहीं पहुंच पा रहल। हमनी अंदर ना गए तो पराजित हो जाए। महाराज, आपन पुल तोड़ दा। आपन पुल तोड़ दी? तोड़ दा। सब लोग वहां से हट जा, हट जा, पीछे हट जा। महाराज, समझ गई नहीं? महाराज, आपके साहस के नमन करता नहीं। हमार पुत्र हमार भविष्य है, याद रखिया। तैयार रहा, लगावा, we'll be right back.
युवराज लोग के यहाँ रखल गए बा उत्तर के तरफ। कालवीरा वो राजा सबके युवराजन के एकरा वहां पहुंचे से पहले बलि चढ़ा दा बलि। युवराज सबके सत्कर्णी बचा ले बा। अब हमरा ओकर पुत्र चाही। पहले तोरा के मृत्यु दी के एकरा के महाराज हमनी के युवराज के बंदी बना ले बा। काका रउआ इनका के मृत्यु देव कि हम इनका के मृत्यु दी। इबा हमनी के महाराज के रक्त ऐसा नहीं हो खेला नेपान। चल मित्र शरण में कि रण में। सिंहासन पावे खातिर तू इतना नीच बनबा हम सपना में भी ना सोच ले रही। सत्कर्णी के राज्य में ही ना चली। मेहपान ये युद्ध हम अपन पुत्र चाहे तहार भूमि खातिर ना कहनी हा आवे वाला शासन खातिर कहनी हा। एक भूमि पर इतना राज्य बार बार युद्ध ना होके के चाहिए। आज युद्ध के अंत होके ही रही। Thank you.
लड़ रहल सब सैनिक हमार बाड़े, कहे कि तू लोग के राजा हमार बंदी हो चुकल बा। सुना वृषभ दत्त, एकर शीश कटला के बाद ई राजपाट हम तहरा के सौंप दे, शांति से राज्य के पालन करी हा। सतवाहन के दूत बन के तहार सहायता हिरण ने करी है। हिमाद्री से लेके दक्षिण समुन्दर तक, सह्याद्री से लेके पूर्व समुन्दर तक, अन्न कलिंग गदम गलबरा, होसन कुंतला कोंकण विदर्भ, अवंती अनुपा भीरा प्राता, कुकरु आकरा असरा अस्मिका, मुलक मलवा महिषा मगध, चेरा चोरा पांड्या सौराष्ट्र, सब मिलके एक के प्रांत होकी, एक के राज्य होकी। जय होके। एगो राज्य के मतलब सब राज्य के मिलावर ना होखेला, भाषा भी मिले के चाहिए जो नहीं हो सकत। ओकरा के एक करे के विचार अपन दिल से निकाल दा। इस सब लोग मरे वाला पड़े, हमार मित्र यवन से आवे वाला बा, विश्व विजेता हूँ, वो ग्रीक वीर सब के तू लोग रोक ना पाई। हाँ, यवन से आवे चाहे कहीं और से आवे, या तारा जैसा अपन देश कहे वाला कौनो देश से आवे, ओकरा के हमने ये है भूमि के धरती पर जीवित मृत्यु दे। आवे दऊ लोगन के, हमने तैयार बानी। तीनों लोक के वीर, सतवाहन वंश के महाराज, युद्ध में हमेशा विजयी होके वाला राजा, सत्यकर्णी महाराज के जय होके। जय होके। जय होके सतवाहन महाराज के। जय होके। सत्यकर्णी महाराज के साम्राज्य के राजा, दिल्ली के महाराजा, बड़ बड़ राजा योद्धा के तलवार लाइल वाले, सबके युद्ध में परास्त कैले ओ महाराजा वाले, हिमाचल के विंध्याचल के श्रेष्ठ कृष्ण चकोर महेंद्र गिरी के शीश पे आज लहराता सतवाहन के चिन्ह के झंडा। जय होके सतवाहन महाराज के। महाराज चक्रवर्ती के। अखंड मंडलाधिपति के। सत्कर्णी महाराज के। जय हो के सातवाहन राज्य के। समस्त जम्बू द्वीप अब एक गो सुविशाल राज्य बा माता। इस सुन के हमरा के बहुत प्रसन्नता भइल माता, परंतु तहारी युद्ध कुछ लोग खाते प्रश्न चिन्ह बन गइल बा। महाराज, आप सुविशाल साम्राज्य के लेके आयल बानी या फिर शव के ढेर? ई एगो शांति प्रिय भूमि रहे, जहाँ सर्व धर्म के सम्मान और संस्कार से देखे के वर्षों पुरान प्रथा रहे, यही कारण यहाँ निवास करत रहनी हमनी। अभी रक्त भूमि बा, हमनी यहाँ नहीं रह सकत। जा सकीला, रउआ शांति के प्रचार कर रहल बानी, हम अशांति के विनाश कर रहल बानी। रउआ प्रकाश के खोज करीला और हम अंधेरा के मृत्यु दे रहल बानी। हमनी के विचार अलग बा, किंतु लक्ष्य एक बा। आबे भूमंडल पर शांति होखी, अखंड जम्बू द्वीप अमरावती बन चुकल बा। रवा जहां चाहे जा सकेला, चारों ओर शांति ही होखी। दूसरे राज्य से लावल गल 3300 तलवार के बिग लागे, एको महा तलवार बनावल जाए। एक तलवार के धारण करके हमार पुत्र एगो सिंह के भांति सिंहासन पर विराजी विश्व के पता होके के चाही। जय होके सतवाहन महाराज के। जय होके। सिंह द्वारा कोटेलिंग से कहीं आपर राजा के आवे के खुशी में राजसु यज्ञ की तैयारी करे और सब दूत राजा के आमंत्रण पात्र भिजवावल जाए। ये बहुत मुख्य कार्य होखी। एह युग के कोनो राजा के यज्ञ के बारे में ज्ञात ना होखी। द्वापर युग में धर्मराज द्वारा कैल गए राजसु यज्ञ है, सातों लोक में ये अपन प्रकाश फैलाई। बिना पत्नी के कौनो यज्ञ संपन्न ना हो सकेला। राजमाता विनती कैली यही से हम यहाँ आईनी। यज्ञ समाप्त होकते हम यहाँ से चल जाए। अखंड राज्य के रउआ बधाई होके, माता पुत्र मिलके ही करब राज। जय होके महाराज चक्रवर्ती के। जय होके। एह राजसूय यज्ञ में जाए से कोनो राजा मना नहीं कर सकत, अपमान सह के भी अमरावती जाए पड़ल बा हमनी के महाराज के। राजसूय यज्ञ हा मतलब सारा राजा हमनी के ओही जय मिली है। हमनी सिंध के तरफ से आक्रमण करत आगे बढ़ाव, जानवर के रक्त पी के बड़ भइल, हमनी के 9 राक्षस योद्धा आपके साथ वहाँ जाइए। समझ गए महाराज। वहाँ पहुँचला के बाद महल में प्रवेश खातिर हमनी के महाराज इनकर सहायता करी हन। बिना चेतावनी देहले हमनी के योद्धा सत्कर्णी के वहाँ पहुँच के अंत कर दी हन। आप सिंध से आक्रमण करत अमरावती पहुँच जाए न महाराज। सिकंदर के मर जाए के बाद ये पूरा अखंड भारत पे हमरे अधिकार होगी। सिकंदर से भी शक्तिशाली वीर दमेत्रियस हम ही आई, भारत पर हम राज करब। अखंड साम्राज्य पर विजय पा ले पड़
लेकिन ग्रह लक्ष्मी पर विजय नहीं खे पहले। हम तरह से का कल चाहतानी तू हमार बात समझ रहल बाड़ा ना? नियंत्रण में रखे खातिर हम का कर सकीला रउवे बताई माता। हमने के राज्य में स्त्री माननीय और पूजनीय है। पुत्र राजा की भांति ना प्रजा की भांति सोचे। प्रजा वह सोचे ले जौने को राजा कहला और राजा जो आज्ञा देवे प्रजा ओकर पालन करे। एकर अर्थ घर संसार से बढ़ तरा खातिर राजपाट बा। अब समझनी तू वशिष्ठ से ज्यादा राजपाट से प्रेम करेला। हाँ माता बहुत प्रेम करीला। ए भूमि से हम बहुत प्रेम करीला माता। प्रजा के सेवा और उनकर प्राण के रक्षा कल चाहिला हम। अनेक लोग के वध करके देश के एक कैले बने। हजारों लोगन के आंसू से धोवल गेल साम्राज्य बाई। हम वाशिष्ठी के छोड़ सकीला इनका के ना। तहरा में परिवर्तन ना आइल। राजा के ओके हृदय ना दुखावेला। उ तो सबे के हृदय पर राज करेला। ना कोनो इच्छा होके ना कोनो अहंकार उहे सबसे बड़ नायक होखेला। राज सूर्य यज्ञ खातिर उहे योग्य होखेला। महाराज अद्वितीय संभव भयले यज्ञ में अंतिम घटना भी आगामी हो गई बा। अग्र पूजा है। ए सृष्टि में खाली भगवान ही उत्तरदायी ना हो खेले हमनी सब भी उत्तरदायी हो खेले। संसार में जितना भी वीर चक्रवर्ती बाड़े एकरा माध्यम से उस सबके सूचना पहुंच जाए। ई उहे पूजा है। द्वापर युग में ये धर्मराज जगत गुरु श्री कृष्ण के सिंहासन पे बैठा के ई पूजा कैले रहन। रहुओ कोनो मनुष्य के बैठा के ई पूजा करे के होखी महाराज। हम माता के चुनतनी सिंहासन पे हम अपन माता के बैठाई। ई अधर्म बा। राज माता अग्र पूजा में ना बैठ सकेली। महाराज हमनी जानता नहीं कि हमनी राउर अधीन बानी किंतु ये अपमान के हमनी सहन नहीं की कर सकत। राज माता ऐसे पूजा में नहीं की बैठ सकत। कहे कि वे को विधवा स्त्री है। ये उचित ना हो कि पवित्र महायोग के रउआ निरादर मत करी। माता के आदर देहल गलत ना हो कि महाराज परंतु ये आप नहीं की कर सकत। हमनी का धर्म स्वीकार ना करी। धर्म कैसन धर्म? रउआ के जन्म देवे वाले भी तो माता ही रही। यहाँ जन रउआ बोल रहल बानी उस शब्द भी माता ही सिखौली। 9 महीना कोख में रख के अपन रक्त पिला के पल्ले बाड़ी हमनी के तो हमनी जेकरा योग्य बानी ओकरा योग्य माता नहीं की? हम अग्र पूजा ही ना अपन सब कुछ इनका के सौंप दे। नास्ति वेदांत परम शास्त्रम नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति मातृ समा पूज्य नास्ति मातृ समा सखा। पिता के विरुद्ध पुत्र हो सकेला माता के विरुद्ध पुत्र होखेला का बताई हमरा के? अग्र पूजा के देवे से रउआ रोकब? रउआ रोकब का? रउआ अपन माता के कोख से जन्म नहीं खी ले का? मनुष्य के गुरु ही माता है। ऐसे माता के नाम से बढ़ के केहू निखे हो सकत। आज से ही हम यही क्षण से गौतमी पुत्र सत्कर्णी के नाम से राज करब और हमार पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलामा के नाम से राज करी। जय हो के गौतमी पुत्र सत्कर्णी के। जय हो के महाराज गौतमी पुत्र सत्कर्णी के। जय हो के सत्वाहन गौतमी पुत्र सत्कर्णी के। जय हो के महावीर गौतमी पुत्र सत्कर्णी के। जय हो के राज्य में एक के धर्म होखी एक के न्याय होखी।
और एक के मुद्रा हर जगह होकर मूल्य होखी। अंग देश के कौनो वस्तु कलिंग में खरीदल जा सकेला। कौशल देश के सामान होके कुंतला देश में बेचल जा सकेला। ए राज्य के और दूसर राज्य के आस पास पड़ल व्यर्थ भूमि के हमनी किसान सबके दान स्वरूप दे रहल बनी। ए अखंड भारत के अन्न पूर्ण कैल जाय। हर मानव के पास अपन अन्न होके जाए। युग के आरंभ भारत खंड के भारत वर्ष में जम्बू द्वीप के सीमा और तालुका में आज से हमनी के युग के आरम्भ हो जाये। हर वर्ष आज के दिन के हर्ष और उल्लास के साथ पर्व के रूप में मनावल जाए। महाराज, यहाँ से आगे प्रवेश प्रतिबंधित बा। प्रतिबंधित बा, ठीक बा। रघुआ यहाँ बानी महाराज। इली ही राउर खानदान के निशानी। अगर केहू दूसर आ जाए तो रघुआ ओकरा पहना दे। कल हम यहाँ से जा रहल बानी। हम खाली यह नेखी देले रउआ के और कुछ देले बनी। हमरा से अधिक नहीं खे देले। यदि ओ प्रकार देखी तो रउआ हमार सदा ऋणी रहब। हमने के पुत्र ओ अब हमरा साथे रही हैं। आज रात के हम उनका साथे रहल चाहते नहीं। बच गई नहीं रउआ। हमरा के रहे के न कहनी। Oh!
इतना सुरक्षा उखला के बाद भी शत्रु महल के भीतर प्रवेश कैसे कर गए ले? एकर अर्थ जरूर के वो आपने आदमी बा, हमनी साथे विश्वासघात कर रहल बा। महारानी, हमने कुछ कहल चाहत बानी। रउवा और महाराज हमनी की ममता की रक्षा कैले बानी। महाराज पे ऐसा चाहे कितनो हमला होके, लेकिन उनका की कुछ नहीं हो सकत देवी। और राक्षस के कैद से हमनी के पुत्र सबके छुड़ावे खातिर रउवा अपन पुत्र के संकट में डाल देनी। खेले के आयु में रउवा उनका की युद्ध भूमि में भेज देनी। रउवा वीर माता बानी। हमनी के जब हमनी के पुत्र माँ कहेला तो राउर बलिदान याद आ जाला। ऐसा महाराज के शक्ति प्रदान करे में गौतमी माँ के परवरिश ही ना राउरो बहुत बड़ योगदान बा। रउवा बारे में महाराज हमनी के राजा से कहत रहन। महाराज महारानी एकरा के स्वीकार करी है, एक बार उनका से पूछ लेही। एकर आवश्यकता ना पड़ी, वो हमार अर्धांगनी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तक वो हमार साथ कभी ना छोड़ी है। रउवा वास्तव में महाराज खातिर एगो ढाल के समान बानी महारानी। वाशिष्ठी, आंसू भी पहचान लीला रहुआ। आंसू खातिर नैहर हो खेला, आंख खातिर ससुराल, और दोनों हमरे हाथ। रहुआ कहले रही रहुआ चल जाए। युद्ध से डेरा कि हम भाग जाए वाली काहेर ना है महाराज। अब हम हूँ वीर माता बनब। अच्छा, कब से बनब? आज से। युद्ध में जब रउवा तलवार पकड़ ले रहे तब हमार पुत्र पिता के हाथ थाम के एगो योद्धा की तरह वीर यात्रा कर रहे। इली। अब रउवा कह ले रहे कि केहू आई तो दे देब। हम आ गई नी ना। अब दी ही ना देब तब। दी ही ना अब, दी ही ना अब, दी ही। रउवा के हैं महाराज, इनकर नाम एथेना, पश्चिम तट के पार से आयल बड़ी। इनकर दादाजी भारतवर्ष की यात्रा के लिए रहन, हमनी के संस्कृति से प्रभावित होके सिंध में परिवार सहित निवास कर रहल बड़ी। एलिही रउवा अच्छा नृत्य करीला, हम रउवा से मिलके प्रसन्न भइनी। रउवा बारे में हम बहुत किस्सा सुननी, आज रउवा के देखी की सौभाग्य प्राप्त भइल। हमरो सौभाग्य बा। महाराज, हमार मित्र, वाह, अद्भुत बा शिल्प सौंदर्य। ये मूर्ति हमरा के हमार भाई मधुर के याद दिला रहल बा। ये मूर्ति सबके बहुत महत्व बा। रउवा ये सब देखनी, वो हमार दादाजी द्वारा बनवावल गेल हाथी है। राजा प्रजा के ढोए वाला हाथी की तरह होके के चाहिए। हाथी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे हाथी, ऐसे अनंत हाथी होखेले। अंतिम हाथी के पहला हाथी के चेहरा भी ना दिखेला, लेकिन ओकर चाल ना बदलेला, ना राह बदलेला। विश्वास बहुत बड़ चीज है, पूंछ पकड़े के जगह सूंड ना पकड़े के चाहिए। बहुत अच्छा मित्र, यही से एगो दूत के भी हमें बात के अनुसरण करवाविला। बीच में अगर एको हाथी बुरा भइल तो सब समाप्त हो जाला। हमरा यहाँ भी दूगो बुरा हाथी बड़े,
उकनी साथे का करे के चाहिए। पहले सिकंदर और अभी डेमेट्रियस ही सब लोग ये हमने के देश के अपन देश के शयन कक्ष समझे ले का? तू विदेशी सबसे हाथ मिलौले रहा कि ना? शत्रु महल में प्रवेश कर गेले में तू उनकर सहायता कैले रहा कि ना? पराजित कैनी समझ में ना आइल, क्षमा कैनी फिर भी समझ में ना आइल। आगे अब समझे के आवश्यकता नहीं खे। हे झुंड में भी एगो और खराब हाथी बा। समय ज्यादा नहीं खे बाचल। क्षमा करी महाराज, उ राक्षस डेमेट्रियस सिंध पर हमला कर देले बा। सारा प्रांत शमशान भूमि बन चुकल बा। मंदिर सब के तोड़ रहल बा महाराज। हे कल्याण राज्य के राजा कांजीराव हमरा के संदेश भेजलस, यदि हम विदेशी सेना के सहायता करब तो वो हमार राज्य के छोड़ दिए सा। ओ स्वाद खातिर ही अनजाने में हम ही अनर्थ कर बैठनी महाराज। सराटन के संहार से हमने नया युग प्रारंभ कर ले रही। अब यवन सबके पराजय से पश्चिमी शासन के क्रिया कर्म होखे के चाही। ये अब हमने के आखिरी युद्ध होखी। अब तक हमने लोग के क्षमा कैनी, लेकिन अब क्षमा ना कैल जाई। नया निर्माण कैल गेल अपन भारत देश के हमने उ विदेशी सबके रक्त से अभिषेक करब। सामने आइले तो मृत्यु दिहल जाई, ना आइले तो ढूंढ के दिहल जाई। चाहे जे भी हो जाए हमने देश के गर्व बढ़ाई। जय हो के अखंड भारत के। जय हो के। जय हो के अखंड भारत के। जय हो के। जय हो के अखंड भारत के। जय हो के। युद्ध में जाए की तैयारी कर जाए। सुहाग और सिंदूर के रक्षा खातिर परमात्मा से प्रार्थना करके शस्त्र उठा ल पुत्री। ई तलवार कोनो साधारण तलवार ना हो। एकरा में 33 राजा के राज्य मिलल बा। ई बहुत शक्तिशाली बा। ये प्रचंड अखंड से महाराज युद्ध भूमि में युद्ध करी हैं। वीर के हाथ में ई शस्त्र अगर वीर के पत्नी देवेली तो वो रक्षा कवच बनेला। ये तहार सिंदूर के रक्षा करे वाला बा पुत्री। रंग में बदलत रहे तो चक्रवर्ती के साथे जरूर कोनो दुर्घटना होखे। शस्त्र असत्य संकेत ना देवेले, वो हमेशा सत्य ही संकेत देवेले। भूमि जन्म देवेली, अग्नि जलावेली, जल सुखावेला, वायु भाप बनावेली और वायु ही मनुष्य के आयु बढ़ावेली। मनुष्य के भांति तलवार बोल नहीं खे सकत, शुभ अशुभ के संकेत जरूर देवेला। यदि महाराज युद्ध में गए तो अनर्थ हो जाये और का होखी हम नहीं बता सकत। यवन सेना सरहद पार करके सिंध तट पे पहुंची। ओकरा पश्चात ही हमने आक्रमण करब। उहे हमने के युद्ध भूमि होखी और विदेशी सबके मरण भूमि। उनका पहुंचे से पहले हमने के आपन सेना के साथे हो जा पहुंचे के होखी। ऊंचाई से हमला कैल हमने के सेना खातिर आसान होखी। यवन सेना हमने से 10 गुना बढ़ बा। विजयी होखे के अवसर उन लोग के पास बा। बाकी विजय हमने के चाही। हमने के हरेक सैनिक उनका 10 गो सैनिक के मारी। ओकरा पश्चात भगवान की इच्छा। रुकी, उहा गेल उचित नहीं खे। महारानी रउआ, राउर युद्ध में गईल उचित नहीं खे महाराज। वहां यदि रउआ की कुछ हो गईल तो हम अपन प्राण त्याग देब। रउआ के हम वहां ना जाए देब। ए युद्ध मत करी महारानी। ये रउआ का हो गईल? विष बाजी, विष, प्राणघाती विष राउर देह में भर गईल रहे। ये हमो तलवार में देखनी। शास्त्र असत्य ना कहेले, हम खुद उस अपना देखनी है। हम सच कह रहल बानी, झूठ ना। वशिष्ठी,
ए राउर ब्रह्म बा हमू एगो सपना देखले रही। सपने? हाँ सपना। धर्मानंद, हमार पुत्र पर युद्ध में विष के प्रयोग कल जाई ऐसा संकेत मिल रहा बा, कहीं हमनी के वहम त नहीं खे? ई वहम नहीं खे हो सकत माता, पूर्वाभास है। रउआ सहायता करी। यहाँ से रउआ कुछ गांव ही दिखाई दी, लेकिन छोट छोटे गांव सब में हम बालक अवस्था में ही एगो बहुत बड़ देश देख चुकल रही। तब हमार आयु 5 वर्ष के रहे। सतकर्णी, तू पिताश्री के युद्ध से लौटे के राह देख रहल बाड़? युद्ध काहे होखेला? सब लोग आपस में युद्ध काहे करेले? पुत्र, युद्ध पालन करे वाला करेले, राज्य के बचावे वाला करेले, अधिकार पावे खातिर युद्ध करे पड़ेला। एगो राज्य दूसरे राज्य पर, दूसरे राज्य तीसरे राज्य पर। इतना राज्य के का आवश्यकता बा? अगर सब मिलके एक ही राज्य बनावस तो फिर युद्ध कभी ना होगी। इस सब करे खातिर कोनो वीर के जन्म लेवे के पड़ी। हम ले ले बानी। अच्छा? हाँ माता, सब राज्य के मिला के हम एक के राज्य बनाए। फिर एक के युद्ध होगी। फिर एक के युद्ध होगी। वो हमनी के होगी। वो हमनी के होगी। एक के राज्य होगी। एक के राज्य होगी। वो हमनी के होगी। तू सच कह रहल बाड़ा? राउर सौगंध, इस सत्य हम 5 वर्ष के आयु में ही देख ले ले रही। ओकरा से पहले हमार मृत्यु ना आई। वाशिष्ठी, हम लड़ब और जगह जगह जल रहल अग्नि दीप के मिला के अखंड ज्योति जलाइब। जौन ना बुझी हम ओकरा के राख ना होके देब, और हम अपन आखिरी पीढ़ी तक ओकरा के जलैले राखब। 7 समुंदर पार से आइल उ लुटेरा विदेशी सबके हम इहे धरती में जीवित गाड़ देब। समय ज्यादा नेके हमरा पास, चली यहां से। विजय हमनिये के होखी। युद्ध अवघन घोर होई, शत्रु के होई पराजय, गौतमी सुत वीर सतकर्णी के सारा विश्व में होई विजय। शकवीर विश्व विजेता जे ही राज सूय जग करे, जग करे। नाथ पूजी भव्य पूजा जे ही पूज से ही जग हिले, जग हिले। सब ही युद्ध जीता नहीं डरे, मातृभूमि के खातिर प्राण के बलिदान दे, कर्म योद्धा इले। आचार्य धर्मानंद जी आप खातिर भेज ले बाड़न। महाप्रसाद। संकट ज्ञात होखेला के पश्चात भी भेज रहल बानी, रउआ सतर्क रहे के होखी। हम जाना तनी रउआ पे का बीत रहल बा, किंतु हमार गैल आवश्यक बा माता, राउर पुत्र पराजित ना होखी। जी अत्रह, विजयी भवा। वासिष्ठी, लक्ष्य होके तब्बू लाखों सैनिक होखेले। माता की ये खड़क से युद्ध पूरा होखेला, लेकिन पत्नी के मुस्कुराहट राजे के विजय बना देवेला। रुकी, हम पति के अभिषेक ना एगो इतिहास के कहनी है। राउर इस संकल्प में आधा भाग हमरो बा, ई रउआ स्मरण रखब। श्री मंगल विजय भवा। तैयार बाड़ा? तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ी। Thank you.
हमार माता बाल काल में एगो कहानी सुनवले रही चीटी और शेर के। एगो शेर के चीटी काट लेलस, जौन चीटी कटलस का वो बची शेर के पंजा से छन भर में मर गई। ओकरा बाद दोसर चीटी आई, फिर वो ओकरा के कटलस। ओकरा बाद एक के बाद एक चीटी आवत गईली और शेर उस सब के मारत गई। आवत गईली मारत गई, आवत गईली मारत गई। ओकरा बाद शेर के सहन शक्ति खत्म हो गई और वो अपना पास एगो चीटी के बुला के पूछलस, हे चीटी, शेर के काटे के साहस तोरा में कहां से आयल? तोर आँख के सामने तोर साथी चीटी सब के हम मार चुकल बानी, दिखाई नहीं के देत का, भय नहीं के लागत? फिर एगो चीटी हंस के ओकरा से पूछिए लेलस, अरे हमार पागल शेर, तोर सामना भागे वाला चीटी सबसे भइल बा हमनी जैसन से ना। ए सृष्टि में खाली दू गो निर्भय प्राणी होखेले, एगो होखेला शेर और दूसर चीटी। शेर शिकार के मार के खाला, लेकिन चीटी जीवित रहते काट काट के खा जाली सा। हरेक भारतीय सैनिक के चीटी जैसन वीर होके के चाहिए। काल विजय हमनी के होखी, विजय बिगुल बजा दो। तारा लोग के डट के युद्ध करे के होखी, हमनी पास अब ज्यादा समय नहीं खे। विदेशियन के अब भगाए के ही होखी, तैयार बाड़ा? तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ा, तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ी, तैयार बाड़ी। आक्रमण। Joy!
गौतमी पुत्र सत्कर्णी की। जय हो गौतमी पुत्र सत्कर्णी की। जय हो गौतमी पुत्र सत्कर्णी की। उनकर सैनिक 1,00,000 रहन और हमनी के सैनिक 3,00,000 रहन। 25,000 हमनी मरनी, 60,000 वो लोग मरले बाड़े। तका भाई, अभी भी हमनी के सैनिक 2,40,000 बाड़े, उनकर संख्या खाली 75,000 बा। अगर युद्ध ऐसे ही चलत रहा तो तीसरे दिन उनकर सेना मौत के मुंह में पहुंच जाई। युद्ध के बाद भी हमनी के सेना बा चल रही, ओकरा बाद ही देश हमनी के बा। सत्कर्णी अकेले ही 1,000 रुपए भारी बा डेमेट्रियस, हमनी में से के होना बाची। रावा लोग ओकरा के युद्ध में देख ले बानी, लेकिन हम तो ओकरे में युद्ध देख ले बानी। मतलब ओकर अंत नहीं के बाना। ओकर नाम है एथीना। जन प्रचुर सेना ना कर पाई, वो हम कर सकीला। जैसे जैसे दिन बीतत जाई, हमने के सेना कम होत जाई। ये युद्ध एक दिन में समाप्त होके के चाहिए। इतना बड़ सेना के समाप्त कईले उहो एक दिन में, यह असंभव है महाराज। आकाश पे जौना तरह नक्षत्रन के अधिकार होखेला, उहे तरह हमनी के यहाँ अधिकार करे के होखी। ई सेना देख रहल बानी ना, कौन कहवा जा रहल बा, कौन कहवा से आ रहल बा, उनकर सेना ना समझ पावे। हमनी के बात हमनी के घोड़न के भी ना पता चले, और ना तो राह के पता चले। सूर्य के प्रकाश में भी उनका अंधेरा दिखाई देवे। जब वो आनर होके दौड़ी है तो हमनियों के अस्त्र शस्त्र लेके उनका साथ दौड़े के होखी। एकरा खातिर उनकर आंख पे पट्टी बांधे के होखी, लगाम कस के खींचे के होखी। घोड़न के खुर के नीचे लाखों सैनिक कुचल के मर जाई हैं। यदि हमनी के डेमेट्रियस दिखाई दिलस तो ओकरा के वह मृत्यु देख के सातवाहन राज्य में नगाड़न के साथ लेके जाई जाए। महाराज, शत्रु बाहर संदेश के साथ आइल बड़े। शत्रु के भी वीरन के आदर कैली राजधर्म है। आज हमरा के आपके सेना और उनकर युद्ध कौशल पसंद आयल, परंतु अपार मृत्यु हमरा के सोचे पे मजबूर कर दहले बा। जौन मध्य मार्ग में उबय के बहिष्कार कर गेल, ओकर पालन कैल हमनी के धर्म बा। यदि स्वीकार करी तो हम आपके ई सब एकांत में ज्ञात करवाई। हम आपसे यही आशा करतानी, यवन सम्राट डेमेट्रियस। महाराज विश्वास मत करी, जरूर शत्रु के कोनो चाल बा। प्रजा के सुरक्षा हेतु शीश झुकावल एगो राजा के दायित्व है, हमके स्वीकार बा। आवे दीही। रवा जौन साहसी ग्रीक सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ रहल बानी, रवा पुरुषोत्तम चैचन महान राजा बानी, चंद्रगुप्त से भी अधिक शौर्यवान बानी। ओ दिन, राउर नृत्य देख के हम बहुत प्रसन्न भइली। शत्रु के दूत हई ना सोच ले रही। सिंहासन राउर शासन हमनी के, शासन राउरे राउर राज्य हमनी के होखी। यदि रो वहां कहीं हम हो राउर हो चाहे ग्रीक से रवाहत मिला ली, फिर भूमि पर राज करी। का कहता नहीं, दूर हटा। आह, शासन कैल तो दूर के बात बा। हम ओकनी के धरती पे भीख मांगे के अनुमति भी ना देव। ग्रीक के धरती पे आखिरी कदम। अब तहार शरीर में रक्त नहीं है महाराज, विस बा ए गोर नागिन के षड्यंत्रकारी विषा। आवाज बंद हो गल बा, धीरे धीरे आंख में अंधकार छा जाई, फिर धीरे धीरे रक्त चम जाई, प्राण वायु में मल जाई। हम केवल ग्रीक के ही दूत ना है सत्करणी, कल्याण दुर्ग में दूचे कर प्राण ले ले रहा वो परिषद के प्रेमिका हाई।
और मृत्यु की आपन परिषद की उपहार में दे विचार रहल पानी। अब तू मर जा शांति से। यवन के सब सैनिक लोग ध्यान से सुना, अब वो फाटल झंडा के समान बा। यवन सेना के कभो नहीं के जीत सकत, मृत्यु बन के टूट पड़ा। पहले ही देश के हमनी के सिकंदर जीते चाहत रहलन, अब हमनी जीतब। कलिंगर आया बात काबा। बिना राजा के हमनी युद्ध नहीं की कर सकत। ठीक कहा तड़ा कलिंग राया, पीछे हटे के अलावा और कोनो विकल्प नहीं खे। फिर महाराज का करिए, जीवन और मृत्यु के बीच छोड़ के भाग जाए। और कोनो विकल्प नहीं खे, जाए के अलावा कम से कम अपन राज्य के रक्षा तो कर सकी ने। इतना लोग मिल के उ लोग के सरहद पर ना रोक पैनी और तू अकेले अपन राज्य के रक्षा कर ले बा। इस सब सैनिकन के टुकड़ा टुकड़ा कर दा, आक्रमण करा। हमने के महाराज के उद्देश्य केवल युद्ध जीतन नहीं खे, हमने के मिलावल भी बा। युद्ध खाली उनका खातिर ना, तोहरा खातिर बा, हमरा खातिर बा, हमनी के राज्य में जन्म लेवे वाला देशवासियों खातिर बा। मुंह छिपा के भाग गईनी तो हमनी सबके पत्नी हमनी पे हंसी हैं, आवे वाली पीढ़ी हमनी के मुंह पे जीवन भर थूकी हैं। हमनी सबके मिलावल महाराज सत्कर्णी के सपना बा, अब हमनी सबके मिल के ही सपना पूरा करे के होखे। महाराज हमनी के पराजित करके हमनी के मिले के अवसर देले, अब हमनी के धर्म बा, हमनी युद्ध लड़ के रहब। समय नहीं खे सैनिक लोग। विजयी 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 हो के राजाई, हो के राजाई, हो के राजाई। आक्रमण आक्रमण। Oh!
सम्राट। पे जौना तरह नक्षत्र के अधिकार हो खेला उहे तरह हमने के यहाँ अधिकार करे के हो। सेना देख रहा बानी ना, कौन कहाँ जा रहा बा, कौन कहाँ से आ रहा बा, उनकर सेना ना समझ पावे। हमने के बात हमने के घोड़न के भी ना पता चले और ना तरह के पता चले। सूर्य के प्रकाश में भी उनका अंधेरा दिखाई देवे। जब वो अनर होके दौड़िए हमनियों के अस्त्र शस्त्र लेके उनका साथ दौड़े के होगी। आक्रमण करो।
हाथे जब तू विष भिजवाइले रहा वही समय तू पराजित हो गई रहा। बाकी जौन भइल अच्छा ही भइल, हमरा अनुपस्थिति में भी युद्ध होत रहे, अर्थात हमरा पश्चात भी हमार सपना जीवित रही। जाओ अपना देश में जाके हमार बात के प्रदर्शन कर, ई देश एगो परिवार है, हमनी के बीच दीवार होखेला संघर्ष भी होखेला, हमनी आपस में युद्ध भी करीला, बाकी केहू और आके आपन कहे तब मृत्यु दंड दिहिला। हमनी केहू के पास ना जाइला, बाकी केहू हमने के पास आवे तो छोड़ी लेना। सरहद पर ही तारा खातिर शमशान के निर्माण करब और तहार देश में झंडा लहराई महाराज के जय हो के, जय हो के गौतमी पुत्र महाराज के जय हो के, जय हो के सत्कर्णी महाराज के जय हो के, जय हो के गौतमी पुत्र महाराज के जय हो के। अब युद्ध ना होखी, ए भूमि पर विदेशी हमला ना होखी, ना होखी, ना होखी, ना होखी, ना होखी। फिर से देश में कदम रखे खातिर विदेशी सबके 1500 साल लाग गएल। मुगल अइले, अंग्रेज अइले, सालों सालों लोग यहाँ राज ही काहे ना कैले हो खास। बाकी जौन देश के सत्कर्णी एक कैले रहन ओकरा के केहू तूर ना सकल। ई सिर्फ गौतमी पुत्र के ही कहानी ना हा, हर भारतवासी के कहानी हा। धरती के उपजाऊ बनावे खातिर अपन रक्त के बलिदान देवे वाला हमनी के पूर्व 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 पूर्वज लोग के कहानी है। यह कहानी अपन इतिहास है, अपन देश के इतिहास पर हमनी गर्व करीला और कहिला जय होखे गौतमी पुत्र सत्कर्णी, जय होखे। वास मधुरस प्रेम के छल की आस जिया के और भी बढ़ की, बिंदिया जगाई निंदिया उड़ाई मृग नैनी करी बावरा, मृग नैनी करी बावरा। संती ऋतु आगल बारस बंती, ई रंग अनुराग ई प्रेम भाव तुहार। मृग नैनी करी बावरा, जागी प्रेम के कामना। मृग नैनी करी बावरा।